तो स्वागत है आपका OnePlus 10R के गेमिंग रिव्यू में, जिसमें हमारे पास तीन गेम्स हैं, Asphalt 9, Battlegrounds, Call of Duty, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। तीनों को हम टेस्टिंग करने वाले हैं, तीनों को देखने वाले कि किस सेटिंग में चलेगी, कैसे चलेगी, टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, बैटरी कितनी होगी, जो कि बाय द वे अभी 54% है ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे। तो ये सब हम चेक करेंगे और वीडियो के एंड पे कंक्लूजन देंगे कि क्या 10R जो कि MediaTek 8100 के साथ आता है वो एक ऑप्टिमाइज चिप है भी या नहीं, क्योंकि MediaTek का हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए गेमिंग रिव्यू करते हैं OnePlus 10R का। एज यूजुअल हमारी ट्रस्टी टेम्परेचर गन का हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अभी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 30 के अराउंड होगा और जो यहाँ पे मतलब इस फोन का टेम्परेचर है वो 33 के आसपास है। तो आप लगा के चलो 33-34 के आसपास है इसका टेम्परेचर, जो कि अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। गर्मी बहुत है तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा हीटिंग का भी टेस्ट हो जाएगा जब हम इतनी गर्मी में गेमिंग करेंगे तो। बट फिलहाल के लिए अभी हम शुरू करते हैं पहली गेम जो कि Asphalt 9, और देखते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम गेम सेटिंग में है और साउंड एंड डिस्प्ले में अगर हम देखेंगे तो मैंने हाई क्वालिटी पे ऑलरेडी सेट करके रखा है। देखते हैं हाई क्वालिटी में कैसा चलता है, ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। तो शुरू करते हैं, सीधा मैं आपको रेस में मिलता हूँ। तो गेम शुरू हो गई है, मैं एक स्पीकर टेस्ट देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा स्पीकर है जो कि अभी फुल वॉल्यूम पे है, जिसके मैं वॉल्यूम वैसे कम कर देता हूँ थोड़ी सी। और जिस तरह अभी चल रही है टेक डाउन का, ऑलमोस्ट टेक डाउन होने लगा था और कुछ खास लैग देखने को मिला नहीं वैसे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ओके ये टेक डाउन हुआ है और कुछ खास यहाँ पे लैग देखने को मिला नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत डिस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग्स के बीच से गए हम, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ लैग मतलब हल्का सा भी लैग देखने को नहीं मिला, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। ओके रेस तो हम नहीं जीत पाए क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है, बट हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। और ये दूसरी गेम शुरू हो रही है, मैंने FPS मीटर भी ऑन कर दिया, अभी 28-30 के बीच में ये कांस्टेंट दिखा रहा है मुझे। लेट्स सी थोड़ा कि ये आगे कंटिन्यू रहता है या नहीं। ओके टेक डाउन में कोई इशू नहीं हुआ और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कार्नेज सा हो गया कार्स का, जो कि मतलब उसके बाद भी हमें कोई ऐसे इशू देखने को मिला नहीं वैसे। और ये हम बिल्डिंग के अंदर से जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपको मतलब पूरा दिख रहा होगा कि कैसे ये जो है बिल्कुल भी कोई इशू नहीं दे रहा है, और हम मतलब फुल स्पीड में आगे जा रहे हैं विदाउट एनी इशू। तो डेफिनेटली ये सेकेंड गेम भी बहुत अच्छे से चली है और ख़त्म हुई है। तो Asphalt अगर आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। मैंने 30-27 के आसपास फ्रेम रेट जो है लॉक देखी थी। और अभी हम चलते हैं थोड़ा मतलब इंटेंसिव गेम में, उसके बाद ही हम टेम्परेचर चेक करेंगे। बाय द वे बैटरी जो हुई अभी 1% कम हुई है, 53, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम चलते हैं PUBG की तरफ। ओके तो PUBG में आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास एक बुरी खबर है सब PUBG लवर्स के लिए जो भी ये फोन लेना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसके ग्राफिक्स को ढूंढूं मैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे HD और हाई ही अवेलेबल है, इवन स्मूथ में भी हाई ही अवेलेबल है, तो क्यों नाम हाई और HD ही खेलें। और यहाँ पे मैं क्विक मैच शुरू करूँगा जल्दी से, तो सीधा आपको मैं मैच में मिलता हूँ। तो ये शुरू हो चुका है, इनिशियल इंप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि HD और हाई ही है, तो मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मतलब 30 FPS पे ही हो जाना चाहिए सेट। तो जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही है, अगर आप देखेंगे ऊपर 30 FPS पे सेट है, जो कि ऑप्टिमल तो नहीं है लेकिन अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ओके तो गेम अभी तक तो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो जितना यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो गेम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हालांकि ऑफकोर्स 40 FPS या 60 FPS वाला जो है वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मतलब इस लेवल के फ़ोन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बेसिकली कि ये 30 FPS पे लॉक चलेगा। 60 FPS तो सब एक्सपेक्ट करते ही हैं और 60 FPS करना भी चाहिए बाय द वे एक्सपेक्ट,
ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई, ये तो मतलब ऐसा हुआ कि तुम लोग जहाँ पूछ के रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने दूसरे फ़ोन पे नहीं, या फिर उनको मीडिया टेक का ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिला बिल्कुल भी, और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन गार्ड भी उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मैं मर भी गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे अभी तक नॉर्मल ही एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है। फ़ोन हीटअप नहीं हुआ है, वार्म होना शुरू हो गया येस, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बट हीटअप नहीं हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बट ये है कि मुझे गेम खेलने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, लाइक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो थी 40 FPS के अराउंड या इवन 60, क्योंकि हमने 40,000 ऑलमोस्ट पे करने हैं इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ओके, दो किल्स किए मैंने बाय द वे, तो कूडोज टू मी। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब आगे पहुँच चुके हैं, बट जैसे कि आपने देखा काफ़ी लोग इकट्ठे भी होते हैं एक जगह पे, लेकिन कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। डेफिनेटली टच का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं, बट आई थिंक वो तो खाली एक स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से है जो कि ठीक हो सकता है बाद में। ओके, हम लोग ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं, तो लेट्स सी। बट ये मैं फ़ोन कहूँगा मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, सीधी सी बात है। हाँ, हालांकि मैं लुढ़क रहा हूँ बार बार, ये बात तो सीधी सी है, तो मैं अपनी टीम के लिए बर्डन ही बन रहा हूँ इस फ़ोन की वजह से भी और अपने गेम प्ले की वजह से भी। ओके, काफ़ी क्लोज आ गए हैं, हमें बस एक फिनिश चाहिए जो कि हम जीत चुके हैं बाय द वे। तो डेफिनेटली बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं था, नॉट श्योर वाई, मतलब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा, आई थिंक इसकी कोई अपडेट आनी चाहिए, एक अपडेट ऑलरेडी आई थी तो मुझे लगा शायद उसमें फिक्स हो गया होगा, लेकिन बेसिकली मुझे अभी कुछ खास दिखा नहीं यहाँ पे। तो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से बैक करते हैं, और एक काम करते हैं यहाँ से जाके ज़रा टेम्परेचर चेक करते हैं। बैटरी 50% हो गई, तो मतलब 3% बैटरी कम हुई, और मैं अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट हमारा 10 मिनट का गेम प्ले हुआ है यहाँ पे, तो 10 मिनट में हमारे पास 3% बैटरी और गिर गई है। अब देखते हैं टेम्परेचर्स क्या है यहाँ पे, तो 37.3 हो चुका है, थोड़ा ऊपर देखा जाए तो कैमरे के पास देखा जाए तो 36, 36.8, 36.9, 36.8, तो मतलब मैक्सिमम 37, उससे हाँ 37.7 यही मैक्सिमम है, वो भी 38, ठीक है 38 तक गया है, और अगर हम सामने स्क्रीन पे देखें तो भी 38 ही गया उसी एरिया में, तो मैक्सिमम अभी 38 गया है PUBG के बाद, जो कि अगेन सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज गेम नहीं है मैं ये कहूँगा। बट अभी हम चलते हैं फाइनल गेम जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी, और देखते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस चलता है इसका। तो अगर मैं इसके ऑडियोग्राफिक सेटिंग में जाऊँ तो आपको दिखेगा हाई में आपको मैक्स फ्रेम रेट दिख रही है, लेकिन अगर आप वेरी हाई ग्राफिक्स चूज करते हो तो फ्रेम रेट आपको वेरी हाई ही मिलेगी। हम मैक्सिमम फ्रेम रेट में खेलने जाते हैं ऑफकोर्स, तो हम हाई पे जाते हैं और होपफुली हमें 40 FPS गेम प्ले देखने को मिलेगा। अभी मेन्यू पे तो 30 FPS है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं एक टीम डेथ मैच या फ्रंट लाइन, और देखते हैं उसमें हमारे पास मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो सीधा मैच में मिलता हूँ मैं। तो हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं अपना लोड आउट, एंड 60 FPS लॉक हो चुका है, लेट्स सी जरा कैसा गेम प्ले रहता है। मुझे पर्सनली कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना बहुत पसंद है इस फ़ोन में, ये मैं पर्सनली मतलब अपने पर्सनल टाइम पे भी खेलता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है देन पबजी। अब मुझे पबजी वाले जो हैं मुझे बोलना मत। ओके, अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम पूरे जमावड़े में थे लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिखा, प्रॉब्लम नहीं दिखा कुछ भी, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ओके, यहाँ पे हम उनके बेस के पास हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे सोल्जर्स हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें कोई इशू नहीं दिख रहा अभी तक। गेम प्ले लॉक 60 FPS पे है, जो अगेन बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 60 FPS और 30 FPS में कितना डिफरेंस आपको दिखता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम अगेन घुस चुके हैं अंदर पूरे उसमें। ओके, अगेन काफ़ी एक इंटेंस मैच चल रहा है यहाँ पे। ओके, किसी ने तो पीछे से लुढ़का दिया, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास मौका है एनिमी स्ट्राइक करने का, डिप्लॉय कर देते हैं।
डेफिनेटली मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक इस फोन में है। तो डेफिनेटली ये ऑप्टिमाइज्ड है, मे बी फुली ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मतलब वेरी हाई ग्राफिक्स में हमें वेरी हाई फ्रेम रेट देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी कुछ बेकार नहीं है। 60 FPS से स्टिल हाई ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छा है। ओके, इतनी तो गन भी नहीं है मेरे पास। ओके, गेम ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चली। लॉक 5760 FPS पे इतनी ही चलती रही, इससे ज़्यादा तो नहीं चली, मतलब इससे कम नहीं गई बेसिकली। ऑलमोस्ट 7 मिनट चली है ये गेम, 6 मिनट, तो मतलब मेरा टोटल प्ले टाइम अराउंड 20 मिनट का हो गया, और अभी मुझे बिल्कुल ज़्यादा हीट अप नहीं फील हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जाके एक बारी इसका टेम्परेचर टेस्ट कर लेता हूँ। बैटरी अगर आप देखेंगे 47%, तो अगेन 3% कम हुई है यहाँ पे। डेफिनेटली ये गेम्स जो है इसकी बैटरी पर टोल ले रही है, बट आपको 80W या फिर 150W का चार्जर भी देखने को मिल रहा है साथ में। तो अब करते हैं टेम्परेचर चेक, तो 38.8, डेफिनेटली 39 के आसपास पहुंच रहा है, 39.4, तो 39.4 पे मैक्सिमम गया है जितना मुझे दिख रहा है, और ये दोनों साइड से, स्क्रीन साइड से भी और बैक साइड से भी 39.7, सो मैक्सिमम यहाँ पे मैं कहूँगा 40 डिग्री तक जा सकता है अगर आप थोड़ा मतलब स्पेसिफिक एरिया चूज़ करें तो। हाँ, 40 डिग्री इज स्टिल मैनेजेबल, और ये 20 मिनट की अप्रॉक्सीमेट गेमिंग में हुआ है, जो कि फिर भी ठीक है, लेकिन अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। जिस कैलिबर की ये चिप है, डेफिनेटली उस कैलिबर के हिसाब से इसको पबजी एटलीस्ट वेरी हाई ग्राफिक्स या HDR ग्राफिक्स में चलानी चाहिए, और मे बी जो फ्रेम रेट एटलीस्ट एक्सट्रीम होनी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए, अगर वो मैक्स फ्रेम रेट दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली वेरी हाई ग्राफिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि एक हाई एंड चिप है, 40,000 का फ़ोन है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खटकी है, होपफुली ये आगे अपडेट सा ठीक होगी। अगर कुछ रहा और मेरे पास अब तक फ़ोन ऐसा रहा तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूँगा। इसी के लिए मुझे सब्सक्राइब करो बेसिकली, ताकि आप लोगों को ये अपडेट्स मिलती रहे, और अगर आप चैनल की और थोड़ी हेल्प करना चाहते हो क्योंकि ये फ़ोन मैंने खुद खरीदा है, तो डेफिनेटली इस चैनल का जो नीचे ज्वाइन बटन है उसको जाके मतलब एक बार दबाओ और अपना कुछ भी प्राइसिंग सेट कर लो। 29 रुपये से स्टार्ट होता है, 29 रुपये एक महीने का, दिन का भी नहीं, महीने का 29 रुपये, तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी ये फ़ोन मैं कहूँगा डेफिनेटली गेमर्स के लिए मैं 100% नहीं कहूँगा, हाँ कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा बहुत यहाँ पे गेम खेलता है और साथ में उसको मतलब एक ओवरऑल अच्छा फ़ोन चाहिए, बिल्ड वगैरह अच्छी चाहिए, तो हाँ उसके लिए ठीक है, लेकिन एक हार्ड कोर गेमर के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि आपने देख लिया कि सेटिंग्स अवेलेबल नहीं थी डेफिनेटली यहाँ पे। तो अगर आप भी हार्डकोर गेमर है तो आप कोई और फ़ोन देखिए, मे बी 9RT देखो। 9RT का गेमिंग रिव्यू मैं ऊपर यहाँ कार्ड दे रहा हूँ, वो आ रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 9RT में गेमिंग बहुत अच्छी हो रही थी, डेफिनेटली वो चेकआउट करो। बट फिलहाल के लिए ये मैं कहूँगा हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है, और यहीं पर मेरी वीडियो खत्म होती है। अगेन, वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, मैं आंसर कर दूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज्वाइन बटन है अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 29 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, और भी बहुत प्राइसिंग है बट स्टार्ट 29 है, तो ज्वाइन कर लो। और अगर आपको 1+9RT का गेमिंग रिव्यू चाहिए वो स्क्रीन पर आ रहा है सामने, और 9RT का फुल रिव्यू चाहिए वो भी स्क्रीन पर आ रहा है, और मेरे दो चैनल्स आ रहे होंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ हमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।